हाय, आई एम विवेक और आज हम आइंस्टीन एंथैल्पी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि आइंस्टीन एंथैल्पी क्या होता है, और मैं इसके कंसेप्ट को बताने वाला हूँ ताकि आप इजीली इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आप बड़ी इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइंस्टीन एंथैल्पी क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। जो सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो दो चार चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर करा देना चाहता हूँ कि जो आइंस्टीन एंथैल्पी होती है वो मेटल की बात करें और नॉन मेटल की बात करें, दोनों केसेस के लिए बात करते हैं। तो मेटल के केस में जो आइंस्टीन एंथैल्पी होती है ना, वो हमेशा आइंस्टीन एंथैल्पी कम होती है, कम रिक्वायर होती है एनर्जी को। व्हाई? बिकॉज मेटल्स क्या होते हैं भाई, मेटल्स क्या होते हैं? चलो सबसे पहले डेफिनेशंस की बात करते हैं। देखो, एक और चीज़ मैंने बहुत लोगों से पूछा, व्हाट इज़ मेटल, एंड दे यू नो व्हाट दे से कि एनीथिंग दैट इज़ conduct electricity, which conduct electricity, yeah, which is a luster, which is soft, they are known as metal. But actually, this is not the definition. What we want, कि अगर आपसे कोई पूछे कि what is metal, तो आपको metal की definition बतानी है, उसकी characteristics को नहीं बताना है। तो आप इस point को भी समझिएगा कि metal आप किसको बोलते हैं। ठीक है, तो metal किसको कहते हैं? Anything which is electropositive in nature is known as metal. Anything which is electropositive in nature is known as metal. And electropositive हम किसको बोलते हैं? कि tendency of an element to lose electron. जो electron को lose करता है उसी के tendency को हम बोलते हैं कि ये हमारा electropositive होगा। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि electropositive आप बोलोगे जो electron को lose करेगा, और exactly इसी बात की तो यहाँ पे बात हो रही है कि what is enthalpy, lose electron। ठीक है, कि लूजली इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है। तो जो मेटल्स हैं वो तो अपने आप ही लूज़ कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसमें तो आपको एनर्जी बहुत कम देनी है। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल जो होंगे दे रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द एमिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, सो वहाँ पे आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एक चीज़ को समझ लीजिए कि मेटल की आइंस्टीन एंथैल्पी हमेशा कम होगी और नॉन मेटल की आइंस्टीन एंथैल्पी हमेशा ज़्यादा होगी। इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो हमने क्या लिख रखा है? सक्सेसिव आइंस्टीन एंथैल्पी। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, आइंस्टीन एंथैल्पी वन कहलाई, दो को निकाला आइंस्टीन एंथैल्पी सेकंड कहलाई, थ्री को निकाला आइंस्टीन एंथैल्पी थर्ड कहलाई। तो ऐसे ही सक्सेसिव आइंस्टीन एंथैल्पी होती है कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो आप वन बोलोगे, दो को निकालोगे तो सेकंड आइंस्टीन एंथैल्पी बोलोगे, एंड अगर आप निकालते हो थर्ड को तो आप बोलोगे थर्ड, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको समझने के लिए ना मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया है एल्युमिनियम का, और आप इसके एग्जांपल को कंसीडर करके देखिए किस आसान तरीके से हम इसको समझने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूँ तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या राइट, यानी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। मुझे एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो जब मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा, इनिशियली क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूँ तो एल्युमिनियम में मैंने बोला कि 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 13 ही प्रोटॉन्स हैं, इनिशियली की बात कर रहा हूँ, 13 इलेक्ट्रॉन्स है और 13 ही प्रोटॉन्स है। फिर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ी? 577 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई। मैं सक्सेसिव को समझा रहा हूँ अभी आपको। अब मैंने क्या किया कि जब एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो यहाँ पे अब कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? ओनली 12 इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ एल्युमिनियम प्लस, बट प्रोटॉन्स तो अभी भी हैं, प्रोटॉन्स तो अभी भी हैं। सो अब क्या होने वाला है? जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाने वाला है। तो प्रोटॉन्स टाइटली हेल्ड कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और अब इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा जितना मैंने पहली बार में निकाला था। ठीक है, तो अब क्या किया है प्रोटॉन्स, सिंस इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इट मीन्स प्रोटॉन्स बढ़ गए हैं, और वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो अट्रैक्शन है ना वो भी बढ़ गया है। तो अब मुझे अगर एक इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है तो वी हैव टू अप्लाई मोर एनर्जी। ठीक है, वी हैव टू अप्लाई मोर एनर्जी। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है कि देखिए, जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला Al प्लस में से, प्लस में से, तो Al2 प्लस में कन्वर्ट हुआ, और H2 की एनर्जी देखिए कितनी ज़्यादा है, 1795 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इट इज़ हाई, समझ रहे हैं इस चीज़ को? या गुड, तो इस चीज़ को हमें कंसिडर करना है कि इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई। ओके, अब क्या करने वाले हैं हम लोग कि मान लो अब मुझे थर्ड निकालना है, तो थर्ड के केस में क्या होने वाला है भाई? अब क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, इट मीन्स प्रोटॉन्स की संख्या और बढ़ गई है, प्रोटॉन्स की संख्या और बढ़ गई है, अब और भी ज़्यादा उनके बीच अट्रैक्शन मजबूत हो गया है। अब जो प्रोटॉन्स है ना वो टाइटली बाउंड कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स को, अब न्यूक्लियस से निकलना इलेक्ट्रॉन का मुश्किल लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइटली हील्ड हो गए हैं वो। ठीक है, सो अब अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो वी हैव टू अप्लाई मोर 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 एनर्जी।
ठीक है। सो यहाँ पे देखिए 2785 किलो जूल पर मोल की एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये था सक्सेसिव एनिशन थैल्पी का कंसेप्ट कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स का निकलना मुश्किल होता है जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, अभी हम पढ़ेंगे वे फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग में, तो इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पर एनिशन थैल्पी डिपेंड करता है, उसको कंसिडर कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी, फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड। ठीक है, तो पहला जो फैक्टर है वो है न्यूक्लियर चार्ज। तो पहला फैक्टर ये न्यूक्लियर चार्ज जो हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले। सेकेंड फैक्टर है एटॉमिक साइज। एंड जो थर्ड फैक्टर है वो मैं लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर एक क्वेश्चन कन्फर्म है, आपको कोई सा भी एग्जाम दे लो आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर ये चैप्टर आ रहा है तो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले को बड़े अच्छे से हम समझने वाले हैं, नो डाउट। अब देखिए मैं बात करता हूँ वन बाई वन न्यूक्लियर चार्ज की। तो अभी न्यूक्लियर चार्ज का हमने पढ़ ही लिया था कि एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, और न्यूक्लियर चार्ज कम बढ़ेगा कब ज़्यादा होता है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव एंड प्रोटॉन्स इंक्रीज। ठीक है, जब उस पर प्लस चार्ज बढ़ते जा रहे हैं, प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। तो एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑल्सो इंक्रीज। व्हाई? बिकॉज द न्यूक्लियस बाउंड द इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली। ठीक है, उनके बीच जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को अलाउ ही नहीं करते बाहर आने के लिए, तो उस समय आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है कि एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, ओके, द सेकेंड वन इज एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज का बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, समझिए। देखिए अगर मैं बात करूं कि ये है मेरा न्यूक्लियस, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम, एग्जांपल मैंने ये ले लिया, चलिए मैंने बोल दिया कि ये मेरा लिथियम है क्योंकि लिथियम में दो और एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ घूम रहे हैं। अब मैंने क्या किया, एक और कंसीडर किया, ये मैंने सोडियम के लिए कंसीडर कर लिया जो कि होता है 2, 8 और 1। यहाँ पे है 2, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1, ये है आपका न्यूक्लियस। ये डिस्टेंस देखिए और ये डिस्टेंस देखिए, देख रहे हैं डिस्टेंस। तो यहाँ पे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है ना वो ज़्यादा है। इट मीन्स एज द साइज इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। तो एज द साइज इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल इज ऑल्सो इंक्रीज। अब क्या है, इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा जबरदस्ती नहीं है, ये इसके कॉन्टैक्ट में ज़्यादा नहीं है, ये इसके ज़्यादा कॉन्टैक्ट में है, तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को बांध के रखेगा क्योंकि डिस्टेंस बड़ा कम है ना न्यूक्लियस आउटर मोस्ट का, तो ये इसके ध्यान में रखेंगे, इसको बांध के रखेगा। लेकिन इसमें क्या हो गया, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट का डिस्टेंस बढ़ गया। तो एज द साइज इंक्रीज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीज। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज, क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। और इसी के चलते आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर आप डाउन द ग्रुप आते हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा कम होती है। ठीक है, इट मींस एज साइज इंक्रीज आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगा। मैं पूछूं सीजियम और सोडियम में किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा भाई, तो सोडियम का होगा, सीजियम का कम होगा, बिकॉज सीजियम का साइज बढ़ा है, समझ गए। और वैसे ही अगर आप लेफ्ट टू राइट चाहते हो तो लेफ्ट फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट द आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। व्हाई इंक्रीजेस, ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। आपने देखा होगा जैसे मैंने बोला BCN ऑफ नियॉन, जैसे बोरोन, तो बोरोन कितना होता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देखो 2, 3, 5, 2, 4, 6, 2, 5, 7। तो अब देख रहे शेल तो बढ़ ही नहीं रहे,
डिस्टेंस वही है, सेल नहीं बढ़ रहे, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनका इंक्रीज होता जा रहा है। इसीलिए अगर जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना, लेफ्ट टू राइट, तो आपका एनर्जी एंथैल्पी क्या होने वाली है, एनर्जी एंथैल्पी आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी हमेशा लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ेगी ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा यहाँ तक, ठीक है। अब लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच गई है वो है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे कैसे डिपेंड करता है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे भाई, एक चीज लिखता हूं मैं, आप इसको नोट करना, हाफ फिल, हाफ फिल एंड फुली फिल, फुली फिल, हाफ फिल एंड फुली फिल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पजेस मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज दे आर क्वाइट स्टेबल। फॉर एग्जाम्पल चलो जैसे मैं बात करता हूँ कि मेरे पास है बी सी एन ओ एफ, मैंने बोला, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बेरीलियम, ठीक है। तो ये आपको पता है ये आपका 12th ग्रुप है, ये आपका 13th ग्रुप है, ये आपका 14th ग्रुप है, 15th है, 16th है, 17th है, ये सेकेंड ग्रुप है, ठीक है। तो मैंने पूछा कि भाई बताओ बेरेलियम और बोरोन में किसके आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए, जो अभी तक मैंने बताया। तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो बोरोन की ज़्यादा होगी, बेरेलियम की कम होगी। मैंने पूछा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका ज़्यादा होगा, आप बोलोगे ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी बिकॉज लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ती है। बट ये दो जगह एक्सेप्शन है, और जहाँ भी केमिस्ट्री में आया एक्सेप्शन वहाँ आया क्वेश्चन, इस चीज़ को याद रखो, जहाँ भी केमिस्ट्री में आया एक्सेप्शन वहाँ पर आया क्वेश्चन, कि केमिस्ट्री बिना एक्सेप्शन के तो होनी नहीं है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को समझेंगे कि बेरिलियम है, बोरोन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इसमें क्या है भाई, तो इस चीज़ को समझते हैं बड़े अच्छे से। इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो इसको मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इससे क्वेश्चन करते वक्त, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो दो केस हमने कौन से कंसिडर किए थे, एक तो किया था हमने कि मेरे पास था बेरिलियम और एक था बोरोन और एक था नाइट्रोजन, एक था ऑक्सीजन। तो सबसे पहले लिखते हैं एक्सपेक्टेड क्या था भाई, एक्सपेक्टेड, तो एक्सपेक्टेड तो यही था कि बेरिलियम और बोरोन में बोरोन का ज़्यादा होगा, और यहाँ लिखता हूँ मैं एक्चुअल। वैसे यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड ये था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का होगा भाई ज़्यादा, बट एक्चुअल कुछ और है, ठीक है। क्या है एक्चुअल, क्यों है एक्चुअल, और हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के अंदर क्यों लिखा है, चलिए देखते हैं दोनों। तो सबसे पहले हमने जैसा पढ़ा था कि बोरोन का ज़्यादा इसलिए होगा, हम ये कह रहे थे बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट होता क्या है, आप दोनों का लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो अगर मैं बेरिलियम का लिखूं, बेरिलियम का, तो बेरिलियम होता है 1s2 2s2, और मैं बोरोन का लिखूं तो वो होता है 1s2 2s2 2p1, ठीक है, 1s2 2s2 2p1। वैसे ही अगर मैं नाइट्रोजन का लिखता हूँ तो नाइट्रोजन का होता है 1s2 2s2 2p3, और मैं ऑक्सीजन का लिखूँगा तो होगा 1s2 2s2 2p4। ध्यान से देखिए, 1s2 2s2 2p3 और 2p4। तो हो क्या रहा है, मैंने लिखा था हाफ फिल एंड फुली फिल पजेस हाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पजेस मोर स्टेबिलिटी। जिसका हाफ फील्ड हो या फुली फील्ड हो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और स्टेबल है कोई तो इलेक्ट्रॉन क्यों लूज़ करेगा। जो लोग पहले से ही खुश हैं, पहले से स्टेबल हैं, तो भाई दे लूज़ इलेक्ट्रॉन, वो तो पहले से ही खुश हैं। तो एक्जैक्टली केस यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे देखिए ये एस फुली फील्ड है, ये फुली फील्ड नहीं है, ना ही हाफ फील्ड है। देयर फॉर बेरिलियम का जो होता है एक्चुअल में, तो बेरिलियम का ज़्यादा होता है बोरोन से। यहाँ आ जाइए, ये देखिए एक्जैक्टली हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड, हाफ फिल्ड। ऑन द अदर केस ये नहीं है हाफ फिल्ड, इसीलिए नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से। इस क्वेश्चन को आप दिमाग में फीड कर लें, ये क्वेश्चन आना ही आना है, पूछेगा आपसे कि वाई द बेरिलियम पजेस हाई एनर्जी एंथैल्पी देन बोरोन, या फिर वाई द एनर्जी एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन। तो जस्ट क्या बताना है आपको, इट इज़ ड्यू टू हाफ फिल्ड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दे पजेस मोर स्टेबिलिटी, और कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा स्टेबल होगी तो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेंगे। तो ये पूरा आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट था, जिसमें हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा, मेटल के बारे में पढ़ा, नॉन मेटल के बारे में पढ़ा, उसके फैक्टर्स को पढ़ा कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज कैसे फ़र्क करता है, एटॉमिक साइज के अंदर हमने पढ़ा कि डाउन द ग्रुप क्या होगा,
ठीक है, अलॉन्ग द पीरियड क्या होगा, फिर हमने लास्ट में पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये समझ आया होगा, ठीक है। तो आप इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, और कोई भी डाउट आता है, कोई भी सजेशन होता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब क्या करने वाला हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और उसके फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। टिल ऑल द बेस्ट।